बेसिक गलती तो नहीं करेंगे शेन वॉटसन, और पीछे खिलाड़ी नहीं है देखिए, और ये शॉट खेला खा था और बॉल देखिए कहां से निकल गया, कमाल है। दुल्हन ने कट किया, स्क्वायर थर्ड मैन बाउंड्री की तरफ जा रही है चार रन। हे गाइस गुड मॉर्निंग, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग, आई होप सब बढ़िया होंगे, जहाँ भी होंगे मस्त होंगे। तो नए दिन की नई शुरुआत के साथ दोस्तों आज के ब्लॉग की शुरुआत करते हैं, आपसे कुछ बात करते हैं। हमें एक दिन और आज क्रिकेट खेलने का मौका मिल रहा है, तो आज हमारा मैच सिम्फनी ग्राउंड में है, तो मैं मिलता हूँ आपको सीधे सिम्फनी ग्राउंड जहाँ पर हम लोग का आज का क्रिकेट मैच होने वाला है, मैं आपको वहाँ पर मिलने वाला, तो बने रहे हमारे साथ। और ये लेके जा रहे हैं हम लोग कुछ फ्रूट्स, तो हम लोग पहुंचने वाले हैं स्टेडियम, यहाँ से दिख रहा हमारा स्टेडियम, हमारे सर भी हमारे साथ हैं आज, रोजी हमारे साथ रहते हैं हमारे सर, और ये है स्टेडियम, दिखा दो मैं आपको। तो गाइज ये है स्टेडियम, सिम्फनी स्टेडियम है, यहीं पर हमारा मैच होने वाला है आज, यहीं पर हम लोग खेलेंगे, ये है। और ये सामने दिख रहा होगा आपको मेडिकल कॉलेज, विकास भवन कलेक्टेड, सभी इधर को है, ये बिल्डिंग जो दिख रही है ना आपको लाल कलर की जो भी, वो मेडिकल कॉलेज। तो ये है दोस्तों शनिदेव का मंदिर, यहाँ पर जय जय श्री शनिदेव जी। तो पहुँच चुके हैं हम लोग स्टेडियम में, मैं तो ऑस्ट्रेलिया से हूँ सर, टीम पहुँच चुकी है यहाँ पर। तो मैच स्टार्ट होने से पहले हम लोग करेंगे नाश्ता, पहुंच चुकी है यहाँ पर टीम, कैप्टन साहब पहुंच चुके हैं की तरफ, इंडिया लेजेंड्स वर्सेस ऑस्ट्रेलिया लेजेंड्स, दो महाशक्तिशाली टीमों के बीच में एक दिलचस्प मुकाबले की यहाँ पर गुंजाइश है और सभी को उसी बात की प्रतीक्षा है। इंडिया लेजेंड्स ने टॉस जीता और आज के मैच के बारे में क्या कहेंगे आप? आज का मैच सिम्फनी के ग्राउंड पे है और हमें कुछ लेट हुई, 11 बजे के उधर स्टार्ट करते हैं तुरंत फटाफट। मुझे लगता है कि आप ये टीम सेटल हो चुकी है और ऑस्ट्रेलियन टीम के भी एक दो चेंजेस हैं। बेटा तुम वहां खेलो, आखिर ऐसा क्या हुआ कि मैच रोकना पड़ा? अब लोग भी वहां लगा बेटे, देखिए ये क्या नई नीति से आज भारतीय टीम उतरी है, बेसिक गलती तो नहीं करेंगे शेन वॉटसन, और पीछे खिलाड़ी नहीं है देखिए, और ये शॉट खेला खा था और बॉल देखिए कहां से निकल गया, कमाल है। सर यहां पर बैट कर आए हैं के ऊपर, मौजूद है वहीं पे, ठीक श्रेयस अय्यर खड़े थे, होम डिलीवरी मिल गई उनको, पहली विकेट मिली यहां भारत को, और बहुत अच्छी फील्ड प्लेसमेंट, वेरी गुड पुल। मैथ्यू वेड अच्छी लय में और जिस मूड में आए हैं, डेविड वार्नर से भी ज्यादा अटैकिंग एक स्टार्ट उन्होंने ऑस्ट्रेलिया को दी है। धमाका गए, जी हाँ, मिला वो विकेट जिसके लिए जिसकी दरकार थी यहां पर। मैक्सवेल एक आक्रामक प्रहार फिर करना चाहते थे, दूर रखा उनसे और स्लो भी रखा, अच्छा कदमों का इस्तेमाल किया है स्टीव स्मिथ ने, और यह बड़ा हिट जिसकी अब जरूरत होगी ऑस्ट्रेलिया को। विराट कोहली वह खुश नहीं है कि हाथों से इशारा कर रहे हैं कि वहां फील्डर लगाया है, देखिए आप। फील्डर मौजूद है और पकड़ ली हार्दिक पांड्या ने, शुक्र करिए किसी के हाथ में ये गेंद चिपकी, नहीं तो आज तो मुझे ये गेंद नहीं मक्खन की टिक्की लग रही थी, जिसके हाथ में आए फिसल के निकल रही थी। राजन बहुत अच्छा स्पेल रहा है अभी तक, लगी है बैट पे केएल राहुल, तो बिल्कुल कह रहे हैं कि हाँ भाई, ये देखिए अंपायर ने वक्त लिया, स्टर्लिंग अंपायर को भी देखा, आई कांटेक्ट किया, फिर क्या इशारा हुआ मुझे पता नहीं वहां से, पर केएल राहुल तो बिल्कुल शोर तक की लगी है।
और यहाँ पहुँच चुके हैं कैप्टन स्वयं आए यहाँ पर खेलने के लिए. लीजिए अभी बोला और पहली बाउंड्री दे दी 177 पे 5. स्लोअर बाउंसर थी और बल्लों के बीचों बीच 6 रन के लिए. वाह क्या शॉट है. थोड़ी सी हाथ खोलने की आजादी मिल गई यहां. अच्छा खासा स्कोर यहां ऑस्ट्रेलिया ने बोर्ड पे लगा दिया है 20 ओवर के बाद. 194 रन 5 विकेट के नुकसान पे यहां बोर्ड पे लगे हैं. तो इसके चलते 194 रन बने हैं तो भारत को यह मुकाबला. सर आज के मैच के बारे में क्या कहेंगे सर आप? आज का मैच बहुत अच्छे से होने जा रहा है. हमारे ब्लॉगर भाई आए हैं ऑस्ट्रेलिया से. बढ़िया रहेगा. ठीक है बस यहाँ पर एक दिक्कत है बस शॉट मारने पर बॉल खो जाती है. पता नहीं कहाँ चलेगी बॉल. ये है यार मैक्सवेल आए हैं गेंदबाजी के लिए और आते संगी बाउंड्री की तरफ गेंद को भेजा केएल राहुल ने और इंटेंट आज ऐसा रहने वाला है. मैंने तो इनिंग शुरू होने से पहले ही इन पे आज दाव लगाया हुआ है कि आज ये चलेंगे ही चलेंगे. धवन धावन पे धाव. ये लीजिए ऑन साइड पे खाया तो ऑफ साइड की तरफ डाल के 2-0 की अजय भड़त इस वक्त भारत के पास है. तीसरा और आखिरी T20 मुकाबला यहां शुरू होने को है. टॉस जीता था विराट कोहली ने पहले गेंदबाजी करने का. चलिए उसमें आप 6 रन और जोड़ दीजिए. 56 बिना नुकसान 5 के बाद. पीछे फील्डर है वहां पर. जी हाँ बिल्कुल. ये फायदा है जब आप एक फील्डर वहां रखते हैं वहीं पर गेंदबाजी करते हैं और न्योता देते हैं और इस तरीके के फ्लो में थे केएल राहुल अपने आप को रोक नहीं पाए. बहुत बड़ा विकेट. क्या 4 मिलेंगे. बहुत महत्वपूर्ण चौका 159 4 विकेट के नुकसान पे. संपर्क बढ़िया हुआ है. जी हाँ संपर्क बढ़िया हुआ है तो 6 रन मिलेंगे. और आप ये देखिएगा कि किस तरीके से ये शॉट लगाया था रिप्ले में. सर बिल्कुल नीचे की तरफ था. आप तो गोल्फ खेलते हैं उसमें करते हैं ऐसे काम. आप यहाँ कैसे आए? आज हम आए पैदल. जैसे इस तरीके से लगाया. पिछला ओवर भी चौके से समाप्त हुआ था. यहाँ भी 170 4 विकेट के नुकसान पे. थोड़ी देर पहले आप इस चीज का जिक्र कर रहे थे कि थर्ड मैन का खिलाड़ी आप अंदर की तरफ क्यों रखते हैं जब लगातार आप यही गेंद करना चाहते हैं. तीनों गेंदें वही थी ये चौथी गेंद भी. पर जब से बल्ला बदला है तब से वो दोनों बॉलें खाली नहीं जाने दी है. जब इनके बल्ले से गेंद लगती है ना तो फिर इस चीज का कोई फर्क नहीं पड़ता कि बाउंड्री कितनी बड़ी है. जी हाँ जिस तरीके से ये खेले हैं वो निरंतरता लगातार पहले मैच से लेके अब तक बरकरार है. यहाँ पर विकेट और खेल बदल सकता है और एक बड़ा शॉट इस तरीके का ये तो बिल्कुल ही सील कर देगा. तो गाइस यहाँ पर दिक्कत एक चीज की है ना समस्या. बॉल मतलब अब ग्राउंड से बाहर चले गई तो मिलना मुश्किल हो जाती है. ढूंढने में रह गया हम लोग. काफ़ी समस्या हो गई. दिक्कत हो गई. थक चुके हैं सभी लोग. एनर्जी आएगी तो इसलिए मैं ये लेके आया हूँ थोड़ा सा. आओ सब लोग आ जाओ. तो दोस्तों मैच की समाप्ति करते हैं यहीं पर एंड करते हैं. हम मिलते हैं आपको. ये देखिए आप लोग ये जीते हैं आज के विजेता हैं विनर हैं आज के. ये देखो ये है सर ये बॉल खो जा रही है.
ये बात से बाहर जानी चाहिए, बताना मत किसी को। बाकी जो सर मर्जी हो, आज रोहित दा झोड़ा चाचरी गाने के लिए बैठे हैं, अभी राग लाएंगे। रोहित मधु उतरणी कौती का झूलो। तो आप यहाँ पर थोड़ा रेस्ट करते हैं, इसके दूसरी पारी स्टार्ट होगी यहाँ पर। Subscribe now to enjoy sports from across the world. और यहाँ पर ना पानी की बिल्कुल समस्या नहीं है। हमें यहाँ पर यही फायदा रहता है कि जब हम लोग थक जाते हैं, हमें पानी की जरूरत पड़ती है, तो यहाँ पर एक नल है पानी का, तो लेके जाता हूँ हम लोग वहाँ पर। और यहाँ पर यही फायदा है कि मतलब पानी की बिल्कुल समस्या नहीं है। भाई आ चुके हैं, जूस बनाएंगे सर। क्या बनाएंगे? अरे जूस भी लाए हैं आज तो। दूध? बाप रे। थोड़ा काम चल रहा ग्राउंड में, थोड़ा इसको बना रहे हैं, पिच बना रहे हैं यहाँ पर। और इस प्रकार से स्टेडियम का व्यू है यहाँ से, एंजॉय ले रहे लोग। तो आज आज कुछ और भी है ना, त्योहार भी है ना, दिवाली है ना आज? आज है हमारे पहाड़ों की बुढ़ दिवाली। क्या होता है बुढ़ दिवाली? बुढ़ दिवाली इसलिए मनाई जाती है, जैसा कि मैंने भी सुना है और पढ़ा है कि दिवाली जिस दिन होती है उससे 11 दिन बाद बुढ़ दिवाली मनाते हैं। बुढ़ दिवाली कॉन्सेप्ट ये था पहला, हमें बाद में पता चला है। पहले छोटी दिवाली भी, बड़ी दिवाली, बुढ़ दिवाली। हमारे टाइम पे दिवाली नहीं, इसमें क्या होता है, मतलब ये है हमारी दिवाली जो पर्व है, महालक्ष्मी एक पर्व है, बहुत अच्छा पर्व है, हमारे उत्तराखंड में बहुत धूमधाम से मनाया जाता है। और उसके 11वां दिन यानी हिंदी में जो कहा जाता है, शुद्ध हिंदी में एकादशी, एकादशी को हमारे पहाड़ में एकादशी कहा जाता है। इसके उपलक्ष्य में आज हमें एक छुट्टी मिली है जो बहुत धूमधाम से मनाई जाएगी। आज शाम को देखिएगा आप, चारों तरफ यहाँ दिए जलेंगे, जितना पीछे का नज़ारा है, ये घर वगैरह जितने दिख रहे हैं, और यहाँ पूरी चकाचौंध होगी जैसे दिवाली में होती है। सुबह से भी आपने देखा होगा कई जगह लोगों ने पटाखे फोड़ने शुरू किए हैं। तो ये महत्व है आज के एकादशी का। धन्यवाद। गाइज आज के मैच की समाप्ति यहीं पर करते हैं, हम मिलते हैं आपको एक नए ब्लॉग में। शायद हमारा नया ब्लॉग रहेगा आपका पिथौरागढ़, मुंशारी और नेपाल जाने वाले हैं हम लोग, तो आपको ब्लॉग देखने को मिलेगा। तो यही ब्लॉग को एंड करते हैं। जैसा भी रहा ठीक ही था, एंजॉय के लिए आए थे हम लोग, सोचा कि ब्लॉग बना लेते हैं। तो अब नेक्स्ट ब्लॉग रहेगा मेरा आपका अल्मोड़ा टू पिथौरागढ़ टू नेपाल, तो बने रहिए हमारे। वाओ वाओ, ये शॉट देखिए।